हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैथ्स क्लासेस। नाउ टुडे वी आर स्टार्टिंग द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 3.4। आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द एक्सरसाइज 3.1, 3.2 एंड 3.4, 3.3 इन माय प्रीवियस वीडियो। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 20 एंड 28। तो इस क्वेश्चन के फोर पार्ट्स गिवन हैं जिसका हमें कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। तो हम कॉमन फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं? जब भी हमें कॉमन फैक्टर फाइंड करना हो तो जो भी नंबर्स गिवन हो सबसे पहले हम उसका फैक्टर्स फाइंड करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर ए है 20 एंड 28। अब हमें इसका कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 28। Then factor of 20 and factor of 28। Then अब फैक्टर 20 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं? तो 20 के फैक्टर वो होंगे जिस जिस की टेबल में 20 आता है वो नंबर 20 का फैक्टर्स हो जाएगा। तो अगर कोई भी नंबर दिया है तो 1 एंड इट्सेल्फ तो उसका जो है फैक्टर होता ही है। तो देन फर्स्ट फैक्टर इसका क्या होगा? 1। देन 22 की टेबल में 20 आता है 2 हो जाएगा। 3 की टेबल में 20 नहीं आता है एंड 4 की टेबल में 20 आता है देन 4। 5 की टेबल में भी 20 आता है तो 5 हो जाएगा। 6 की टेबल में 20 नहीं आता, 7 में भी नहीं आता, 8 में नहीं आता, 9 में भी नहीं आता देन 10। उसके बाद सीधे 20 की टेबल में ही 20 आता है। तो ये फैक्टर्स हो गए 20 के। तो जो भी फैक्टर्स होते हैं वो 20 के डिविजिबल होंगे। यानी अगर हम 2 ये जो भी जैसे 1 को 20 से डिवाइड करें तो ये एग्जैक्ट डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड करें तो 2 से भी डिवाइड होगा। यानी ये सारे फैक्टर्स जो हैं 20 को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं। अब हम 28 का फैक्टर निकालेंगे। तो 28 का फैक्टर कैसे निकालते हैं? ऐसे ही हम 28 का फैक्टर लिखेंगे। तो 28 किस किस की टेबल में आता है? 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में नहीं आता, 4 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में नहीं आता, 6 की टेबल में नहीं आता, 7 की टेबल में 20 आता है। देन 14 की टेबल में 20 आएगा एंड 28 की टेबल में ही 20 आएगा। अब हमें फाइंड क्या करना है? कॉमन फैक्टर। अब हम कॉमन फैक्टर, अब इन दो 20 एंड 28 का कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। तो हम इन दो इसमें 20 के फैक्टर एंड 28 के फैक्टर में देखेंगे कि कौन से नंबर दोनों में है। जो नंबर दोनों में कॉमन होंगे वो 20 दोनों के कॉमन फैक्टर कहलाएंगे। जैसे यहाँ पे 1 इसमें भी है एंड इसमें भी है तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 1। 2 देखिए दोनों में है तो कॉमन 2 भी कॉमन फैक्टर होगा। 4 दोनों में है तो 4 कॉमन फैक्टर होगा। तो हमें यहाँ पे वो नंबर लिखने हैं जो दोनों में है। तो 1, 2 एंड 4 जो है ये इसमें भी है एंड इसमें भी है, इसमें इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1, 2, 4 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ 20 एंड 28। लेट्स सी द बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। 15 एंड 25। अब सेम ऐसे ही हमें ये क्वेश्चन भी करना है। तो इसमें भी हमें कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 15 का फैक्टर निकालेंगे देन 25 का फैक्टर निकालेंगे। तो फैक्टर ऑफ 15 इक्वल टू, तो 15 किस किस की टेबल में आता है? 1 की टेबल में आता है देन 2 की टेबल में 15 नहीं आता, 3 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में आता है 15 एंड 15 की ही टेबल में 15 आता है। ऐसे ही फैक्टर ऑफ 25, तो 25 किस किस की टेबल में आता है? 1 की टेबल में 25 आता है देन 5 की टेबल में 25 आता है एंड
25 की टेबल में 25 आता है। देन कॉमन फैक्टर, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि दोनों में कौन कौन से नंबर कॉमन है। तो देखिए दोनों में वन इसमें भी है, वन इसमें भी है, तो कॉमन क्या हो गया वन। थ्री इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो कॉमन फैक्टर थ्री जो है वो कॉमन फैक्टर नहीं होगा। एंड फाइव देखिए दोनों में गिवन है, इट्स मीन वन एंड फाइव इज द कॉमन फैक्टर ऑफ 15 एंड 25। एंड इसका सी पार्ट क्या है, 35 एंड 50। तो सेम ऐसे ही ये भी क्वेश्चन करना है, फैक्टर ऑफ 35। तो 35, अब 35 किस किस की टेबल में आता है, वन की टेबल में आता है। देन ये फाइव की टेबल में 25 आता है, सिक्स की टेबल में नहीं आता, सेवन की टेबल में 25 आता है, उसके बाद एट की टेबल में 25 नहीं आता, नाइन की टेबल में भी 25 नहीं आता। देन ये 35 के ही टेबल में 35 आएगा। एंड फैक्टर ऑफ 50, तो फैक्टर ऑफ 50, 50 के कौन कौन से फैक्टर होंगे, सबसे पहले ये किसकी टेबल में आता है, वन की टेबल में 50 आता है। देन टू की टेबल में भी आता है, थ्री की टेबल में एंड फोर की टेबल में नहीं आता, फाइव की टेबल में 50 आता है, सिक्स में नहीं आता, सेवन में भी नहीं आता, एट की टेबल में भी नहीं आता, देन टेन की टेबल में 50 आता है, देन 25 की टेबल में 50 आएगा, एंड इनमें 50 की टेबल में 50 आता है। देन कॉमन फैक्टर क्या है, वन एंड फाइव, वन एंड फाइव इज द कॉमन फैक्टर ऑफ 30, 35 एंड 50। तो इसके सिर्फ दो ही कॉमन फैक्टर मिले, वन एंड फाइव। एंड लेट्स सी द डी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। डी पार्ट क्या है, 56 एंड 120, 56 एंड 120। देन अब हम इसके को फैक्टर्स फाइंड करनी है। तो सबसे पहले फैक्टर ऑफ 56, तो 56 किस किस की टेबल में आता है, तो सबसे पहले वन की टेबल में 56 आता है, टू की टेबल में, टू से ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा क्योंकि वंस प्लेस पे सिक्स है। देन यहाँ पे क्या होगा, टू की टेबल में टू से भी डिवाइड होगा, एंड थ्री की से ये नहीं डिवाइड होगा, फोर से डिवाइड हो जाएगा, फोर की टेबल में भी आएगा, फाइव की टेबल में नहीं आएगा, सिक्स की टेबल में भी नहीं आएगा, सेवन की सेवन एट जा होता है 56, सेवन की टेबल में आएगा, एंड एट की टेबल में भी 56 आएगा, नाइन की टेबल में 56 नहीं आएगा, टेन में भी नहीं आएगा, अलेवन ट्वेल्व थर्टीन में नहीं आएगा, देन फोर्टीन की टेबल में आएगा, एंड उसके बाद ये सीधे 28 टू जा होगा 56, देन 56। ऐसे ही हम निकालेंगे फैक्टर ऑफ 120। तो जब कोई हमें बड़ा नंबर गिवन हो तो सबसे पहले हम उसका फैक्टर ऐसे फाइंड कर लेते हैं। तो ये नंबर है, अब ये नंबर किससे डिवाइड होगा, तो सबसे पहले हम देखते हैं ये टू से डिवाइड होगा कि नहीं। तो लास्ट में जब भी वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है। इट्स मीन ये नंबर 2 से डिवाइड होगा, तो सबसे पहले हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2, 6 जा 60, ये 0 हो जाएगा, देन फिर 2 से डिवाइड होगा, 2, 3 जा 6 एंड ये 30 हो जाएगा, देन फिर 2 से डिवाइड करेंगे, देन ये क्या हो जाएगा, 2, 1 जा 2 एंड यहाँ पे 2, 1 जा 2 लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है 3, तो 1 ये इधर चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा 10, देन ये क्या हो जाएगा 2, 5 जा 10।
अब ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, ये किससे डिवाइड होगा, 3 से। तब हम यहाँ से, अब यहाँ हम किसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 5 15, ये कितने टाइम जाएगा। यहाँ पे हम कोशियंट लिखते हैं, जो भी कोशियंट आएगा वो नीचे आता है, तो 3 5 15, 5 1 5। अब ये जो है, ये सारे इसके फैक्टर्स हैं, ये जैसे 1 है, 1 5 3 2, ये सारे हैं इसके फैक्टर्स हैं। अब हम लिखेंगे 120 के फैक्टर्स हमें लिखना है, तो पहला फैक्टर क्या हो गया, 1, देन 2 है इसमें तो दूसरा फैक्टर 2, एंड नेक्स्ट 3 भी इसका फैक्टर होगा। अब देखिए यहाँ पे 2 2 जाए, अगर 2 को 2 पर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4, तो 4 भी इसका फैक्टर होगा। इसमें 5 है तो 5 भी इसका फैक्टर होगा। इसमें देखिए 6 भी है, 3 2 6, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, तो 6 भी इसका फैक्टर होगा। एंड इसमें 7 नहीं है तो इसका 7 7 जो है इसका फैक्टर नहीं होगा। अब 8, अब 120 का फैक्टर 8 होगा कि नहीं, तो 2 2 4, 4 2 8, 3 टाइम्स इसमें 2 है और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, इट्स मीन 8 इसका फैक्टर होगा। एंड 9 जो इसका फैक्टर नहीं होगा, देन 10 इसका फैक्टर होगा, फिर 11 12। अब देखिए इसमें 12 बनेगा कि नहीं, जैसे ये 3 है, 2 2 4, 4 3 12, तो इसमें 12 भी आएगा, 13, देन 14 इसमें नहीं है क्योंकि 14 7 2 होगा और 7 इसमें नहीं है, 12 13 14 15, 5 3 15, तो ये 15 का भी फैक्टर होगा, 15 16, 16 का ये फैक्टर नहीं होगा क्योंकि 2 2 4, 4 2 8, ये सिर्फ 3 टाइम्स ही 2 इसमें यूज हुए हैं। देन यहाँ पे क्या आएगा, 15, 15 के बाद 16, 17, 18, 19 की टेबल में नहीं आएगा, देन 20। अब देखिए यहाँ पे 2 2 4, 2 टाइम्स 2 है, जैसे 20 कैसे बनेगा, 2 2 4, एंड 4 5 20, तो देखिए 2 2 एंड 5 इसमें है, इट्स मीन यहाँ 20 क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। देन 20 एंड 20 के बाद 21, 22, 23 एंड 24। अब देखिए 24 कैसे होता है, 24, 12 2 24, देन ये 4 4 3 जा, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, सॉरी यहाँ 24 को लिखना है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, 2 2 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो 24 का भी, 120 जो है 24 का भी फैक्टर होगा। देन ये 30 का फैक्टर होगा, देखिए यहाँ पे 30 भी आ रहा है, इट्स मीन ये 30 का भी फैक्टर होगा। देन ये 40 का भी फैक्टर होगा, एंड 62 जा 120 होता है, तो 60 का भी फैक्टर होगा, एंड एट द एंड क्या लिखेंगे, 120। तो ये 120 के फैक्टर्स हो गए। अब हमें क्या फाइंड करना है, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर। अब इन दोनों में हम देखेंगे कौन कौन से नंबर कॉमन है, तो सबसे पहले 1 देखिए दोनों में है, तो 1 कॉमन हो जाएगा, 2 भी दोनों में है, तो इस कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2। अब नेक्स्ट है 4, 4 दोनों में है, तो 4 भी इसका कॉमन फैक्टर हो जाएगा। अब यहाँ पे 7 है, लेकिन 120 के फैक्टर में 7 नहीं है, इट्स मीन 7 इसका फैक्टर नहीं होगा। एंड 8 8 56 का भी फैक्टर है, एंड 120 का भी फैक्टर है, देन दोनों में है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी कॉमन फैक्टर हो जाएगा 8। अब 14 इस 56 के फैक्टर में है, बट 120 के फैक्टर में नहीं है, तो 14 जो है इसका कॉमन फैक्टर नहीं होगा। वही नंबर्स कॉमन फैक्टर होते हैं जो दोनों में है, तो 1 2 4 एंड 8 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ 156 एंड 120। एंड
देन लेट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 4, 8 एंड 12 ए पार्ट है एंड उसका बी पार्ट है 5, 15 एंड 25. तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, हमें सिर्फ टू नंबर्स गिवन थे जिसका कॉमन फैक्टर फाइंड करना था. अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है, हमें यहाँ पे थ्री नंबर्स गिवन है और कॉमन फैक्टर फाइंड करना है. तो टू नंबर्स हों या मोर देन टू नंबर्स हों, कॉमन फैक्टर हम कैसे फाइंड करते हैं, सब सेम वैसे ही हमें कॉमन फैक्टर फाइंड करना है. जैसे जो भी नंबर हमें गिवन है, सबसे पहले हम उसका फैक्टर फाइंड करते हैं, देन जो भी कॉमन नंबर्स होते हैं वो कॉमन फैक्टर में लिखते हैं. जैसे इसका ए पार्ट है 4.8 एंड 12. तो सबसे पहले हम 4 का कॉमन फैक्टर लिखेंगे, फैक्टर ऑफ 4 इज, तो 4 किस किस की टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में भी आता है एंड देन 4 की टेबल में आता है. फैक्टर ऑफ 8, तो 1 की टेबल में 8 आता है, 2 की टेबल में 8 आता है, 3 की टेबल में नहीं आता, उसके बाद किसकी टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, देन 8 की टेबल में फैक्टर आता है, 8 की टेबल में ही 8 आता है. देन फैक्टर ऑफ 12, अब हमें 12 के फैक्टर फाइंड करनी है. तो सबसे पहले 12 किस किस की टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में भी आता है, 3 4 12 एंड 4 की टेबल में भी 12 आता है, 5 की टेबल में 12 नहीं आता है, 6 की टेबल में 12 आता है, देन उसके बाद 12 की टेबल में ही 12 आता है. अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है कॉमन फैक्टर. तो यहाँ पे देखिए क्या कॉमन है, 1. अब देखिए 2 जो है वो तीनों में है, इसमें भी है, इसमें भी है एंड इसमें भी है, देन इसका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2. अब 4 इसमें भी है, 4 के फैक्टर में भी 4 है, 8 के फैक्टर में भी 4 है एंड 12 के फैक्टर में भी 4 है. इट्स मीन 4 भी इसका कॉमन फैक्टर होगा. बस अब और कोई देखिए 8 इसमें है बट 4 के फैक्टर में है, 12 के फैक्टर में नहीं है. इट्स मीन 8 जो है इसका कॉमन फैक्टर नहीं होगा. तो क्या 1, 2 एंड 4 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ 4, 8 एंड 12. एंड लेट्स सी द बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 5.15 एंड 25. Then same as it is, first of all we will write the factors of 5, 15 and 25. Then factor of 5, factor of 15 and factor of 25. तो 5 का factor 1.5. सिर्फ 5 जो है सिर्फ 1 की टेबल में आता है एंड 5 की टेबल में आता है. इस ऐसे 15 का फैक्टर हम फाइंड करेंगे, तो 1, 2 की टेबल में 15 नहीं आता, 3 की, देन क्या हो जाएगा, 3, देन 5, देन 15. ऐसे हम 25 का फैक्टर लिखेंगे, तो 1 की टेबल में 25 आता है, 2 की टेबल में नहीं आता, 3 की टेबल में भी नहीं आता, देन किसकी टेबल में आता है, 5 की टेबल में 25 आता है एंड 25 के टेबल में 25 आता है. अब हमें फाइंड करना है यहाँ पे कॉमन फैक्टर. तो व्हाट इज द कॉमन फैक्टर ऑफ 5, 15 एंड 25. तो सबसे पहले देखिए 1 तीनों में है तो हम यहाँ पे 1 लिख लेंगे एंड 5 जो है फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी का भी फैक्टर है एंड थर्ड का भी फैक्टर है, देन 5 हो जाएगा. अब देखिए और कोई नंबर नहीं, ऐसे नंबर नहीं है जो तीनों के फैक्टर हों, देन यही 1 एंड 5 आर द कॉमन फैक्टर ऑफ 5, 15 एंड 25. दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो.